क्रीमिया पर यूक्रेन ने एक साथ कई ड्रोन से हमला किया है। ब्लैक सी के रास्ते से सेवास्टोपोल के पावर प्लांट को उड़ाने की कोशिश की गई है। रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के 2 ड्रोन भी इस दौरान मार गिराए। 3 ड्रोन ब्लैक सी से होकर वापस लौट गए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले अक्टूबर में सेवास्टोपोल में वॉरशिप पर ड्रोन से अटैक हुआ था। क्या यूक्रेन खेरसोन के बाद क्रीमिया में जंग की बाजी पलटने वाली है? सवाल अहम है, क्योंकि 7 महीने के अंदर यूक्रेन ने रूस के इस मजबूत किले की बुनियाद पर फिर से हमला बोला है। क्रीमिया पर यूक्रेन ने एक साथ कई ड्रोन से हमले किए हैं। ब्लैक सी के रास्ते यूक्रेन ने सेवास्टोपोल के पावर प्लांट को उड़ाने की कोशिश की है। रूस ने दावा किया कि रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के 2 ड्रोन मार गिराए हैं और ज़ेलेंस्की के 3 ड्रोन ब्लैक सी से होकर वापस लौट गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने यह भी दावा किया है कि ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस हमले में किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले यूक्रेन ने अक्टूबर में ही सेवास्टोपोल में वॉरशिप पर ड्रोन हमला किया था और रूस के मकारोव को तबाह कर दिया था। 8 अक्टूबर को भी तबाही बरसाई थी और 2022-13 अप्रैल को मॉस्कोवा तबाह किया गया था। क्रीमिया पर रूस ने 4th अटैक किया है। यह हालात रूस के खेरसोन से पीछे हटने के बाद बने हैं, क्योंकि वहां से क्रीमिया तक पहुंचने का रास्ता साफ हो चुका है और यूक्रेनी सेना बहुत तेजी से क्रीमिया की तरफ कूच कर रही है, जो पुतिन के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। अब ये कोई मिस्ट्री नहीं है, लेकिन एक सच है, रूस और यूक्रेन के युद्ध में ड्रोन जो है वो गेम चेंजर बन चुका है। यूक्रेन में सबसे ज्यादा ड्रोन ने तबाही मचाई है। तुर्की के ड्रोन से यूक्रेन ने भी रूस का नुकसान किया। दूसरे युद्धों में भी ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने की संभावना है और आज ही यूक्रेन ने ईरान से उसके ड्रोन्स को लेकर बातचीत भी की है। एक्सपर्ट्स की राय है कि अब जंग में तोप, मिसाइल और टैंक की जगह ड्रोन अहम भूमिका निभा रहा है। जानकार बता रहे हैं कि ड्रोन जंग में गेम चेंजर साबित हो रहा है और रूस के लिए ये बदलाव बहुत नुकसानदेह साबित हो रहा है। पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की बदौलत ही रूसी खेमे में अफरा तफरी मच चुकी है। यूक्रेनी सेना पर अब ईरानी ड्रोन ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है और तुर्की से मिले ड्रोन ने यूक्रेन को नई ताकत दे दी है। क्रीमिया पर हुए ताजा हमले ने यह साबित किया है कि ड्रोन अब जंग का रुख मोड़ भी सकते हैं और तय भी कर सकते हैं। इसकी कई वजह है। दरअसल ड्रोन ऑटोमेटिक ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। ड्रोन फाइट में सैनिकों की जान का कोई खतरा नहीं, एक बार सामने आने पर टारगेट को संभालने का मौका नहीं, दुश्मन की फायरिंग से बच निकलने की भी क्षमता। ईरान का ड्रोन रूस के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। तुर्की के बायरैक्टर ड्रोन ने यूक्रेन में तबाही मचाई थी। हाल ही में कीव पर ड्रोन ने कहर बरपाया था, वो विस्फोटकों से भरे हुए थे। ये ईरान के कामिकाजी ड्रोन थे। ये ड्रोन क्रूज मिसाइलों की तरह सैकड़ों किलोमीटर दूर लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।